अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है वो हमेशा ग्राउंड यानी अर्थ के साथ क्यों करन रहता है, उसका करंट करने का रीजन क्या है, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको न्यूट्रल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो न्यूट्रल है वो हमें डायरेक्ट जनरेटिंग स्टेशन में नहीं मिलता, जो न्यूट्रल है उससे हम ट्रांसफार्मर के अंदर क्रिएट करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उस ये जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो डेल्टा टू स्टार रहता है। लेकिन दोस्तों हर एक ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग डेल्टा स्टार नहीं होता, किसी में स्टार स्टार की वाइंडिंग है, किसी में स्टार टू डेल्टा होती है, किसी में डेल्टा डेल्टा वाइंडिंग है। तो आपको इसके बारे में जो वीडियो चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। तो मन याद रखे दोस्तों हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तो इसका क्या होता है, उसका वाइंडिंग डायरेक्ट डेल्टा टू स्टार होता है, यानी कि जब हम डेल्टा में यानी कि थ्री फेज इनपुट देते हैं उस ट्रांसफार्मर में और उसके बदले में क्या मिलता है, आउटपुट में थ्री फेज तो मिलता है, आरवा भी मिलता है, लेकिन उसके साथ एक न्यूट्रल मिलता है। तो जब हम 11 kV को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में इनपुट देते हैं तो इस जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो स्टार कन्फिगरेशन रहता है, तो इसलिए हमें तीनों फेज तो मिलता है और तीनों फेज को मिला के एक पॉइंट मिलता है जिसको हम जंक्शन बोलते हैं और पॉइंट, तो उसी पॉइंट से एक वायर निकाला जाता है ट्रांसफार्मर के बाहर, तो जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो यह रहा न्यूट्रल के बारे में कुछ बेसिक टिप्स। अब मैं आपको बताता हूँ जो न्यूट्रल को हम ग्राउंड के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीजन यह है फ्रेंड्स, कीप न्यूट्रल एट जीरो पोटेंशियल। उसका मतलब क्या होगा, दोस्तों हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है और किसी भी पोल माउंटेड सबस्टेशन जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सिंगल फेज का लोड होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि एक फेज में 250 एम्पीयर लोड होगा, दूसरे फेज में 300 एम्पीयर लोड होगा, तीसरे फेज में 250 एम्पीयर लोड होगा। तो अलग अलग फेज में सिंगल फेज सप्लाई होने के कारण अलग अलग फेज में अलग अलग लोड डिफरेंट करंट शो करेगा, तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रल है वो अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रल का स्टार्टिंग पॉइंट में जीरो वोल्टेज होना चाहिए वो जीरो से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हमें न्यूट्रल का बैलेंस करने के लिए और उससे जीरो पोटेंशियल में रखने के लिए तो हमें उसको आर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पहला रीजन का। दूसरा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, कीप ट्रांसफार्मर बैलेंस इवन लोड इज अनबैलेंस। तो इसका मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज लोड शेयरिंग होता है वो अलग अलग घर में अलग अलग फेज दी जाती है, तो किसी क्या होगा, आर फेज में क्या होगा 250 एम्पीयर लोड होगा, बी फेज में क्या होगा 300 एम्पीयर लोड होगा और वाई फेज में क्या होगा 250 एम्पीयर लोड होगा। तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रल है वो अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रल को बैलेंस करने के लिए हम न्यूट्रल को आर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, उसका जीरो पोटेंशियल आ जाएगा और न्यूट्रल को बैलेंस भी मिल जाएगा। तो यह रहा पहला रीजन, मैं आपको बताता हूँ दूसरा रीजन, टू प्रोवाइड रिटर्न पाथ फॉर करंट अंडर आर्थ फॉल्ट कंडीशन। उसका मतलब अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर के अंदर हाई करंट फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से जब हम ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल का आर्थ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमें संभावना कि ट्रांसफार्मर जल भी सकता है हाई करंट की वजह से। तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूट्रल को आर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो उससे एक क्लोज पाथ मिल जाएगा करंट को डिस्चार्ज जमीन के अंदर डिस्चार्ज करने के लिए, तो इसलिए हम न्यूट्रल को आर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। अब मैं बता दूँ तीसरा रीजन आपको, तीसरा रीजन ये है फ्रेंड्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज। दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तीनों फेज रहता है, आर वाई भी अगर किसी फेज में फॉल्ट हो जाता है, यानी कि आर वाई फेज या बी फेज फॉल्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे पास बचेगा टू फेज आर एंड वाई। तो इसमें क्या होगा, हमें जो न्यूट्रल है वो बराबर काम नहीं करेगा, क्योंकि तीनों फेज आपस में शॉर्ट होने के बाद ही हमें न्यूट्रल मिलता है। तो
अगर एक पेज खराब हो जाता है तो क्या होगा, जो न्यूट्रल है बराबर काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर यह सपोज यह रहा आपका घर और यह आपका पड़ोसी का घर, तो आपके पड़ोसी के घर अगर बी फेज में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, उनके घर सप्लाई नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप आर फेज से कनेक्ट हो तो आपके घर में सपोज 230 वोल्टेज आ रहा है तो आपके घर में क्या होगा, 230 √3 गुना करंट यानी कि 398 वोल्ट आपके घर में आएगा। तो इसलिए क्या होगा, हम ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को आर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल मिल जाता है। अगर एक फेज फॉल्ट हो जाए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल को हम आर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा 3 रीजन। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करें, जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।